वेटिंग जबरदस्त है, इसको मैंने 3 महीना पहले बुक किया था। सेल्टोस आज तक समझ में नहीं आया है, जिंदगी कितनी कलरफुल हो जाए लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट सदाबहार है। बिल्कुल सदाबहार है। और गाड़ी ली हमने और हमारे हिसाब से ना चले तो क्या मजा, फिर क्या फायदा। और इंडियन गाड़ी लूंगा लेकिन इंडियन गाड़ी ना लेके मैंने फिर से हुंडई में आ गए। क्या बात है, अपने आपको गिफ्ट किया है? नहीं, मैडम ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, वेन्यू का ग्रिल मुझे इससे अच्छा लगता है। सनरूफ ओपन होनी स्टार्ट हो गई है तो क्या फील होता है भाई? एक्सवी 700 और सफारी के बाद हमारा हैरियर भी मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ था। मक्खन की तरह चलती है बिल्कुल। अरे वाह। तो यार आपको ये नहीं लगा कि यार चलो ब्लैक ब्लैक तो दुनिया लेके घूम रही है, व्हाइट ब्लैक हम कुछ अलग करते हैं, ऐसे ऐसे आप क्रेटा तक पहुंचे हो? क्रेटा तक पहुंची है, मतलब क्रेटा का जो फेसलिफ्ट है, क्रेटा के जो नए लुक्स है वो आपको खींच के ले आए अपनी ओर। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए, सामने देख लो भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट। बिल्कुल अभी रिवन भी नहीं हटा है गाड़ी पे, अभी हाल ही में गाड़ी ली गई है और इस गाड़ी का प्रॉपर हम एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इसके ओनर हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करेंगे कब उन्होंने गाड़ी ली है, मतलब कौन से दिन डिलीवरी ली है, कब उन्होंने बुक की थी गाड़ी और कितने में उनको पड़ी है, और मेन बात है कि भाई क्रेटा ही क्यों और कितने हद तक उनके ये नई वाली क्रेटा पसंद आई है। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जनरली क्या होता है जब फेसलिफ्ट किसी गाड़ी का आता है वो ज़्यादातर लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ आता है। तो बात करेंगे कि भाई कितने हद तक उनको समझ आई है, कैसी गाड़ी है और कितने प्राइस रेंज में पड़ गई है, कौन सा वेरिएंट है। तो आप ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को भाई प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करना लास्ट में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो। चलो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधे इनके ओनर के पास चलते हैं। क्या हाल भैया? बढ़िया बढ़िया। नाम बता दो पहले। मेरा नाम बीके सिंह है। गाड़ी की डिलीवरी कब ली है? 28 तारीख को मैंने लिया था, अपने बर्थडे के दिन। अच्छा, यस। क्या बात है, अपने आपको गिफ्ट किया है? नहीं, मैडम ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ भी वर्किंग है। हाँ। तो गवर्नमेंट टीचर है वो, मिडिल क्लास की। बहुत अच्छा गिफ्ट मिला यार, तो उन्होंने गिफ्ट किया है। ठीक है भैया, वेरिएंट कौन सा है ये? SX4 मॉडल है। टॉप मॉडल हो गया? टॉप मॉडल है। पेट्रोल है और इसमें ADAS सिस्टम भी है, बहुत सारी फीचर्स है इसमें, फुल्ली लोडेड गाड़ी है बिल्कुल, इसमें कोई भी चीज़ें कमी नहीं है। एक्चुअली मैंने XUV700 भी बुक किया था, सफारी भी बुक किया था, लेकिन उसमें कैसा है कि XUV700 तो टाइम लग गया और सफारी मैंने इसलिए बुक किया था कि उसके फेस लिफ्ट मॉडल आया था, बट उससे बेटर मुझे ये लगी। अच्छा। हाँ। चलो अभी इन पे धीरे धीरे आएंगे, जैसे जैसे मैं पूछूंगा आप बताना फिर, और डिटेल में बात करेंगे उन सब की भी, क्योंकि मैं भाई को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और तब से जानता हूँ जब से XUV700 बुक कर रखी थी, तब से हमारी बात हो रखी थी कि XUV700 का रिव्यू करेंगे, आई नहीं पाई भाई। चलो अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आते हैं जरा गाड़ी पे, और मुझे आपने बताया कब ली थी डिलीवरी? ये 28 तारीख को लिया था, 28 जनवरी को। 28 जनवरी को डिलीवरी लिया। हाँ। भैया आप मुझे बताओ, जैसे नई बिल्कुल फेसलिफ्ट है और वेटिंग वगैरह चल रही होगी? वेटिंग जबरदस्त है, इसको मैंने 3 महीना पहले बुक किया था, January 15 तक मुझे लेना था इसको, बट 28 को मिली मुझे। अच्छा, 28 को मिली है, मतलब थोड़ा 3 महीने के बाद ही मिली है। हाँ। अच्छा, क्या बात है। और आपका भैया ये बताओ कि टॉप एंड वेरिएंट लेने का ही रीजन क्या है? इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ADAS सिस्टम मैंने देखा इसमें और बॉस का म्यूजिक सिस्टम मैंने देखा, अंदर का इंटीरियर बिल्कुल परफेक्ट है, ड्यूअल इसका AC जोन है और सीट जो है वेंटिलेटेड सीट है, बहुत कंफर्ट सीट है इसका, और सीट में जो ड्राइवर सीट है उसको इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है? हाँ। ओके, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें एड ऑन होके मिल गए मुझे, कम कॉस्टिंग में मिल गए, 20,30,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे। अच्छा। हाँ, इसका फेसलिफ्ट आप देख ही रहे हो कितना अच्छा है, लाइटिंग कितनी इसकी जबरदस्त लगती है मुझे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बात करते हैं भैया कि जब आपने इस गाड़ी को लेने का प्लान किया तो और कौन कौन सी गाड़ियाँ, जैसे नॉर्मली एक बंदा करता ही है कि यार कुछ गाड़ियाँ लिस्ट बनाता है, एक शॉर्ट लिस्ट करता है कि ये उठाएंगे ये वाले लेंगे, कंपैरिजन जो होता है, तो आपके केस में क्या था, कौन कौन सी गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट की थी? मैंने 3 ही गाड़ियाँ अभी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, वैसे 4 थी, XUV700 और सफारी के बाद हमारा हैरियर भी मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ था, ये 3 मैंने पहले, इससे पहले मैंने 3 को सेलेक्ट किया हुआ था। ओके। लेकिन मैं फेसलिफ्ट का ही वेट कर रहा था सफारी में और हैरियर में, बट आने के बाद जो मैं मॉडल देख रहा था वो मॉडल मुझे मिला ही नहीं। अच्छा। हाँ। नहीं, क्या मतलब मिला क्यों नहीं? एक्चुअली वेटिंग ज़्यादा है उसमें। कितनी वेटिंग बता रहे थे? अभी तो 2-3 महीने और वेटिंग है उसमें। अच्छा, 2-3 महीने और वेटिंग बता रहे थे। हाँ। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने की वेटिंग? 5-6 महीना ऑलमोस्ट मान के चलो, 3 महीना मान के चलता हूँ मैं, और मुझे अर्जेंट बेसिस पे भी चाहिए था ये, क्योंकि 28 तारीख को हमें डिलीवरी भी चाहिए थी और बर्थडे के काफ़ी टाइम से, सफारी तो मुझे बुक किए 6-7 महीने हो गए, और जब से बुक किया तब से मुझे मिली ही नहीं। और XUV700 कब बुक की थी आपने? मैंने वो तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 2023 के स्टार्टिंग में मैंने बुक की थी शायद, 22 के लास्ट में।
हाँ मैंने बताया ना भाई, तब हम मिले थे, भाई कह रहे थे मैं एक्सयूवी 700 ला रहा हूँ, आप उसका रिव्यू करना। मैंने कहा ठीक है, तो वो आई नहीं है ना। तो मतलब आई क्यों नहीं, आपने प्लान ड्रॉप किया या फिर मिली नहीं आपको? मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। अच्छा हाँ। कितनी वेटिंग बताई थी 700 की? वेटिंग उसमें एक साल की थी। एक साल की वेटिंग बताई थी। और एक साल में वेट नहीं करने वाला था, क्योंकि अभी तो मिलना स्टार्ट हो गया था। मुझे एक्चुअली कॉल भी आया था कि आपको एक से डेढ़ महीने में मिल जाएगा, बट उसको कैंसिल करके मैंने सफारी बुक की थी, और सफारी के बाद मैंने ये बुक की। ओके, तो ऐसे कर दी। ऐसे ऐसे आप क्रेटा तक पहुँचे हो। क्रेटा तक पहुँची है। चलो अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर क्रेटा का फेसलिफ्ट नहीं आता तो फिर कौन सी गाड़ी आती? फिर सफारी। फिर सफारी आती। फिर सफारी, फिर थोड़ा वेट हो जाता। हाँ वेट करता, लेकिन सफारी लेता मैं। मतलब क्रेटा का जो फेसलिफ्ट है, क्रेटा के जो नए लुक्स है, वो आपको खींच के ले आए अपनी ओर? बिल्कुल। ओके। क्रेटा एक्चुअली कैसा है कि फेसलिफ्ट के साथ साथ इसमें इसका स्टेयरिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, जो सॉफ्ट है और जब ड्राइव करते हैं तो कम्फर्ट फील देती है। और मुझे चाहिए कि बिल्कुल कम्फर्ट हो ड्राइव के टाइम पर। और इसमें अडास सिस्टम आने की वजह से मेरा एक्चुअली लॉन्ग जर्नी ज़्यादा होता है, अडास सिस्टम आने की वजह से मुझे और कम्फर्ट हो गया इसमें। कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस जैसे 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस रहता है। इससे पहले मैं पहले एक्सयूवी 500 चलाता था। अच्छा। हाँ बट एक्सयूवी 500 के बाद एक्सयूवी 700 मैंने सोचा कि सेम ब्रांड की गाड़ी नहीं चलाऊंगा, इसलिए मैंने लास्ट में उसको कैंसिल करके सफारी बुक की थी। अच्छा। मैंने सोचा टाटा ही लूँगा और इंडियन गाड़ी लूंगा, लेकिन इंडियन गाड़ी ना लेके मैंने फिर से हुंडई में आ गए। ये तो खैर भाई कुछ ना कुछ चीज़ें तो बदलती रहती हैं। जो सोचते हैं वो तो कभी भी नहीं होता। नहीं होता है, वही तो सडन जो सामने आ गया उसी को हमने कर लिया। दोनों बुकिंग में था, वैसे अभी भी बुकिंग मेरा सफारी का एज इट इज है, मैंने कैंसिल नहीं कराया अभी तक। अच्छा। लेकिन उसको कैंसिल कराना है अभी। ओके। अब मुझे बताओ भैया कि ओल्ड वाली क्रेटा के मुकाबले ये कितनी हद तक अच्छी लगी? अगर उससे बोले तो काफ़ी अच्छी है, उससे मतलब बेटर है। उसमें उसका लाइट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता था, जो फ्रंट फ्रंट लाइट बहुत बिल्कुल लगता था कि कुछ चिपका दिया गया, लेकिन इसका जो लाइटिंग है काफ़ी हद तक मतलब बेटर है, आज के मॉडर्न के हिसाब से अच्छा दिया इसने। हाँ मतलब जो अब डिजाइन्स चल रहे हैं, मुझे किया कभी पसंद नहीं है एक्चुअली, किया की लाइटिंग और उसका जो बैक साइड है बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बैक लगता है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है उसे। और इसका थोड़ा चौड़ा लगता है, मुझे चौड़ी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा जैसे किया की बात आई, तो इसका अगर राइवल देखें ना तो सीधा सीधा अपनी सेल्टोस है। हाँ सेल्टोस है। तो फेसलिफ्ट तो उसका भी आ चुका था। बिल्कुल सेल्टोस की लाइटिंग मुझे पसंद नहीं आई और उसके जो बैक साइड है बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। अच्छा ये रीजन था। छोटी गाड़ी है वो, लेने के बाद मुझे वो फील नहीं आया। मैंने टेस्ट ड्राइव भी उसका किया था बट उतना फीलिंग नहीं आया। ओके। मुझे इसमें जब कंफर्ट लगा। कितने किलोमीटर चला ली अभी? तो खैर क्या ही चलाई होगी, 250-300 किलोमीटर चली है। 250-300 चल गई। हाँ। चलो इसमें ही बता दो कि चलने में कैसी है? चलने में तो मक्खन की तरह चलती है बिल्कुल। अरे वाह। जब से मैंने लिया है तब से कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑफिशियल वर्क की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मिला है काफ़ी। मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्टेंस हम जर्नी करने वाले हैं। अच्छा 8-9 बजे तक चलेंगे तो कम से कम 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद एक्चुअल इसका एक्सपीरियंस फील होगा। चलो फिर तो एक ना, आप जब 5000 इस गाड़ी को चला लोगे तो एक बार फिर से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बिल्कुल पब्लिक के साथ, ताकि हेल्प मिलती रहे भाई। हाँ, इसका और... क्या डिमेरिट है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ और डिमेरिट कुछ पता चल नहीं रहा है। हाँ अभी तो सारी चीज़ें इतना तो सच पता नहीं लगेगा ना। हाँ, क्योंकि डिमेरिट और तभी पता चलेगा मुझे जब इसको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर चलाते हैं तो इसके अंदर की चीज़ हमें पता चलेगी। फिलहाल तो हम एक रिव्यू कर रहे हैं कि आपने क्यों ली, कितने में पड़ी है ना, इसमें डुअल टोन वगैरह भी आता है ना। हाँ बीके जी, अब मुझे ये बताओ, जैसे इस गाड़ी में एक नया कलर लॉन्च हुआ है भाई, क्या ही खतरनाक कलर है वो। हाँ बिल्कुल, बहुत महंगी गाड़ियों में आता है वो। हाँ ठीक है, वो ह्यूंडई ने लॉन्च किया है, तो यार आपको ये नहीं लगा कि यार चलो ब्लैक ब्लैक तो दुनिया लेके घूम रही है, वाइट ब्लैक, हम कुछ अलग करते हैं? एक्चुअली उस कलर के कलर मैंने देखा भी और उस कलर को ना लेने का एक ही रीजन है, ब्लैक कलर मुझे बहुत सूटेबल कलर लगता है। अच्छा। और वो जो कलर है ना, मतलब वाइट में कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद वो उतना सही नहीं रह पाएगा मुझे लगता है जहाँ तक। वो अलग अलग जो नया है। हाँ अलग अलग लुक कुछ दिन के बाद उसमें बोरिंग जैसा फील होने लगेगा, लेकिन ये कलर है हमेशा बोलते हैं ना कि सदाबहार कलर है, वो वाला कलर मुझे लगता है ब्लैक और वाइट। जिंदगी कितनी कलरफुल हो जाए लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट सदाबहार है। बिल्कुल सदाबहार है। परफेक्ट। अब जरा आप इस पे थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। ब्लैक कलर आपने ले तो लिया। हाँ। मेंटेनेंस कैसा है भाई ब्लैक कलर? मेंटेनेंस जबरदस्त है। अभी देख रहे हो कितनी गंदी पड़ी है, कवर थी फिर भी गंदी पड़ी, बस कराने का टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी इसको। तो कुछ पीपीएफ वगैरह कराओगे इस पे? सोच रहा हूँ मैं पीपीएफ कराएंगे, क्योंकि उससे सेफ्टी ज्यादा हमें फील होगा ब्लैक कलर पे, तो वैसे भी होनी चाहिए।
जैसे कि अगर सफाई की मैटर में अगर मैं बोलूं, अगर मेंटेनेंस की मैटर में बोलूं, तो काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। जहाँ तक शोरूम वाले ने भी मुझे सजेस्ट किया और दो तीन लोगों ने जो मेरे दोस्त हैं वो भी सजेस्ट किए हैं कि आप एक बार करा ही लो, ब्लैक कलर लिए हो तो करा के ही रखो ताकि तुम्हारी सेफ्टी और मेंटेनेंस थोड़ा कम पड़े। अब तो मैं भी पूछता हूँ क्योंकि मैं भी ब्लैक कलर की गाड़ी अपनी रखता हूँ जिमनी, तो मुझे भी लगता है कि पूछो तो सही कैसे मेंटेन कर रहे हैं इसको। नहीं, मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हमने उसको सोच रखा करने के लिए, हो सकता है कि अगले वीक तक मैं कर लूँ। अच्छा, मेरे साथ तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मेरी गाड़ी 4x4 है, गंदी भी पड़ी रहती है, लोगों को ये लगता है कहीं ऑफ रोडिंग करके आया होगा। बिल्कुल लगती होगी, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे केस में इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको हमें करना ही पड़ेगा PPF वगैरह, PPF करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। अच्छा बीके जी, वैसे तो इसमें LEDs वगैरह सारी मिलती हैं, कनेक्टिंग हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं, कनेक्टिंग DRL मिल रहे हैं सॉरी, और पीछे कनेक्टिंग टेल लैम्प, पीछे भी आऊंगा। जरा ये सामने का जो लुक है ना, ये जो ग्रिल का, आप जरा देखो, ये आपको ऐसा नहीं लगता कुछ फीका फीका सा, खाली खाली सा? मतलब आप जरा ग्रिल देखो। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। हाँ, अब जरा बताओ इसके बारे में। एक्चुअली वेन्यू का ग्रिल मुझे इससे अच्छा लगता है। बिल्कुल लगेगा, इससे अच्छा लगता है क्योंकि उसके जो ग्रिल है ना काफी पास पास है और उसमें भरा भरा सा है ना, 5 लेन दिया हुआ है। हाँ, तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसका ग्रिल थोड़ा सा बोलते हैं ना कि डिसअपॉइंटेड है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि पता है मेन फोकस मैं इस चीज पे कर रहा हूँ, ये जो खाली खाली पार्ट है ना, बिल्कुल ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, नीचे वाला और खासकर, क्योंकि वहां तो चलो ब्लैक पार्ट है लेकिन नीचे देखो ना, बिल्कुल ही सामने रेडिएटर दिख रहा है और इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, जैसे यहाँ पे कवर दे रखा ना, ऐसे यहाँ पे कवर देना चाहिए थे इनको। हाँ हाँ हाँ। और बाकी देखो एडास मिल रहा है, ये रहा नीचे सेंसर, एक सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है ORVM, ओ सॉरी ORVM कह रहा हूँ, विंडशील्ड पे, तो एडास मिल रहा है। और एडास यूज करके देखा आपने, आप बता रहे थे? बिल्कुल देखे। तो कैसा, मतलब रिस्पॉन्स कैसा था? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, सिटी के लिए नहीं है, अगर हाईवे पे आप चल रहे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, अगर सिटी में तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, जैसे मैंने सिटी में जो फील किया कि अडास तो वर्क करता है, लेकिन अगर कोई आस या पास से दोनों साइड से निकल रहा कोई भी, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इरिटेट भी करेगा। इरिटेट करता है कि अगर आपने स्टीयरिंग थोड़ा भी लूज किया तो जो पास से निकल रहा है, तो कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं वहाँ पे। ओ माय गॉड। तो इसीलिए सिटी में थोड़ा सा कम प्रेफरेबल है, लेकिन हाईवे के लिए जबरदस्त है। अडास 2 मॉडल है, इसमें जबरदस्त है। चलो, अच्छा जैसे एक SUV सेगमेंट में आ जाती है गाड़ी, कॉम्पैक्ट SUV, तो इसका बोनट जो है विजिबल होता है आपको चलाते वक्त? हाँ, होता है, फील आता है एक SUV गाड़ी परफेक्ट। बिल्कुल फील आता है। चलो फील की बात करेंगे अंदर बैठ के, अब जरा पीछे आ जाते हैं। ये देखो, ये है ना नजारा, ये बढ़िया चीज है, कनेक्टिंग टेल लैंप जो इस लाइट से उस लाइट तक कनेक्ट रहती है और काफी ज्यादा अच्छी लगती है, रात में भी बड़ा मजा देने वाली है। नाइट में बिल्कुल मस्त लगती है, बढ़िया लगती है बिल्कुल। अगर खड़े करके बाहर से देखो इसको, वैसे मैंने फील किया बाहर खड़े करके, काफी अच्छा फील आता है। मतलब लगता है कि नहीं, जो लिया है उसमें कोई पछतावा नहीं है, ये वाली फीलिंग आती है इस गाड़ी में। अच्छा बीके जी, जैसे वो आप इससे पहले जो आती थी ना अपनी क्रेटा, हाँ, तो उसमें क्या है ना, एक थोड़ा जैसे इसका तो स्लीक सा डिजाइन है, हाँ, उसको गोल गोल सा पीछे से भी आगे से भी थोड़ा ऐसे कर रखा था, तो वो मजेदार एक्चुअली मुझे नहीं लगती थी। मैं इसी का वेट कर रहा था, सच बताऊं तो उसका आगे का लाइट बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, सेम लाइट पीछे भी था, मतलब मैचिंग की ही लाइट, हाँ, उसी टाइप की थी, बट इसका मैचिंग का है, लेकिन एक बोले तो जो इसका कनेक्टिंग लाइट है, हाँ, जबरदस्त है, अच्छा लगती कि नहीं, हमने जो गाड़ी ली बड़ी गाड़ी ली है ऐसा फील होता है, और बैठने के बाद भी यही सेम फीलिंग आती है अंदर से। बिल्कुल। और अगर मैं फीचर्स की बात करने पे आऊँ, तो मैंने इस वेरिएंट का डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड ऑफ स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तमाम फीचर्स हैं, मैं क्या ही बात करूँ। डिफोगर, वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, पैनारोमिक सनरूफ, ये बड़ी मजेदार चीज है। तो इसकी बात अंदर बैठ के करेंगे, एक बार बूट स्पेस चेक कर लेते हैं कितना मिल रहा है। ये अच्छा लगा आपको जो इन्होंने लोगो अंदर दिया है? बढ़िया लगा, जबरदस्त, ताकि कोई निकाल भी नहीं पाएगा। एक्रेलिक है बिल्कुल, ये ऊपर से इनका एक्रेलिक दिया हुआ है, हाँ, काफी हाई क्लास एक्रेलिक है, और एक्रेलिक के अंदर जो लोगो दिया ना, इसका फील ही अलग है। बिल्कुल, जैसे मर्सिडीज में हम कभी कभी देखते हैं उसके ऊपर आता है, एक्रेलिक के अंदर ही रहता है, काफी अच्छा लगता है। BMW में आई थिंक अभी ऐसा आने लगा है, तो वो अंदर ही देते, काफी अच्छा लगता है वो। चलो, मेरे हिसाब से 433 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है इसमें, और बूट लैंप यहाँ मिल जाता है। मजे की बात पता है क्या है, सेल्टोस में जो आपको नहीं मिलता कि उसमें आपको जो पीछे की रियर सीट्स है ना, वो फोल्ड जो होती है वो एक सिंगल वे में होगी, मतलब सिंगल सीट होती है पूरी कंप्लीट बनी हुई, उसको फोल्ड होता है। इसमें 60-40 का रेशियो मिल जाता है, अगर पीछे कोई एक पैसेंजर भी जा रहा है ना, तो आप उसको फोल्ड करके बूट स्पेस अपना बढ़ा सकते हो, ये एक मजे वाली चीज़ है। आ जाओ भैया जरा अंदर, आप इधर से और मैं उधर बैठता हूँ, थोड़ी सी बातें अंदर बैठ के कर लेते हैं। तो यार गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, उसको इग्नोर करना, ठीक है, बातों पर ध्यान दो बस हमारी। और यहाँ पे देख लो भाई, ORVM पे भी आपको इंडिकेशंस वगैरह, ये भी एक सेफ्टी फीचर्स ही हैं, जो ब्लिंक करती है ना ये लाइट, ताकि कोई गाड़ी आ रही है तो वो बता देता है, ब्लाइंड स्पॉट।
बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मतलब जब भी आपको लगता है कि कहीं से कुछ टच होने वाला है या कुछ आता है या पीछे से भी कोई आ जाता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाती है, ऑटोमेटिक कोई भी आ जाए। तो एक सबसे अच्छा फीचर लगा मुझे इसका। बिल्कुल, पहले से बीकेजी कलर इन्होंने चेंज कर दिया कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ही। हाँ। पहले व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता था, अब इन्होंने ये बीज सा कलर है और ये अपना हो गया ग्रे कलर। बिल्कुल, तो कैसा लगा ये? एक्चुअली कलर मुझे पहले से ही पसंद है। पहले मैंने जब 500 लिया था तो सिल्वर कलर मैंने लिया था उस टाइम पे, तो काफी मुझे पसंद था। और ये कलर इसका काफी कॉम्बिनेशन अच्छा है और मुझे फील भी अच्छा होता है, जैसे कि ये इन्होंने दे रखा है, ये एंटी स्किड मैट दे रखी है ना। इस पे अगर आप कोई भी फोन रखते हैं तो स्किड भी नहीं करता, कोई भी चीज आप यहाँ पे रख सकते हैं जो यूज कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा दिया। और ये तो बिल्कुल मुझे पसंद है। और ये भी डिजाइन मतलब बिल्कुल ही ना चेंज कर दिया क्रेटा यार। और ये जो लुक है ना बहुत प्यारा लुक है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटीरियर में सबसे प्यारा क्या लगा? सबसे प्यारा अगर बोलूँ मैं बैठा हूँ तो मुझे ये चीज अच्छा लगता है। ओके। और इसके बाद इसका जो ये लुक है, हाँ, स्क्रीन का जबरदस्त। हाँ। और ये जो कलर दे रखा है इन्होंने ना, रोज गोल्ड हाँ। जबरदस्त दिया है। मतलब बैठने के बाद ऐसा नहीं लगता कि चलो यार बोरिंग सा लग रहा है, बोर हो गए हैं, मतलब काफी अच्छा फील होता है इसमें। क्योंकि मुझे इतना अच्छा पार्ट लगा है ना, ये ऐसे आपको ना थोड़ी सी जैसे XUV700 आपने नई ली लेकिन उसी के टाइप की स्क्रीन है। सेम टाइप की, एक्चुअली मैंने उसको 3 से 4 बार में टेस्ट ड्राइव भी लिया था। हाँ। क्योंकि मुझे काफी पसंद थी गाड़ी, लेकिन बाद में कुछ बोलते हैं ना प्लान चेंज हो गया, कुछ हो गया बीच में, प्लान चेंज होने की वजह से मैंने नहीं लिया। लेकिन हाँ, उसके कंपेरिजन करते हैं तो उसी के कंपेरिजन में ये लाइट है, बिल्कुल कनेक्टेड लाइट है, सॉरी कनेक्टेड टच स्क्रीन है, काफी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। क्योंकि इसमें 10.2 इंच की आपको भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बाकी जो स्क्रीन है ये, और उधर मिल जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं लिया आपने? नहीं, क्यों? ऑटोमेटिक एक्चुअली मुझे कंफर्ट मैनुअल में ही होता है। अच्छा, मजा आता चलाने में? मजा आता है क्योंकि अगर अपने हिसाब से हम पिकअप कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये सेम मेरी कहानी है भाई। मैनुअल मुझे एक्चुअली जब मुझे स्पीड चाहिए स्पीड देगा नहीं उस टाइम पे, उसका क्या फायदा? सही बात है। सिटी के लिए थोड़ा सा मेरा एक डिमेरिट पॉइंट है कि पैर वगैरह दर्द करने लगते हैं, वो तो सबके साथ होता तो है। उसको देख के और मैं ऑटोमेटिक ले लूं ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगा, मैंने मैनुअल ही लिया और मैनुअल मुझे पसंद है। और गाड़ी ली हमने और हमारे हिसाब से ना चले तो क्या मजा, फिर क्या फायदा? किसी और के कहने से हमने ले लिया और उसका मतलब बेनिफिट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। और भाई ये देखो, ये चीज अच्छी लगी मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। और इसमें ना ऑटो सिस्टम भी है, जैसे कि गाड़ी कहीं बंद हो गई, मतलब आपने चालू किया, चल रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई और आपके गियर में गाड़ी है, जैसे आप इसको न्यूट्रल करते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ओके, क्लच प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है। मतलब और हाँ, जैसे क्लच प्रेस करके मैंने इसको न्यूट्रल किया, गाड़ी ऑटो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ का फीचर होता है। बिल्कुल। ओके okay. बाकी यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो इंफोटेनमेंट्स के भी हैं और एसी के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है भैया, स्टीयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है ना? जबरदस्त, आप देख भी सकते हैं। टेलीस्कोपिक और नीचे हो गया टिल्ट, टिल्ट। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ये बेस वेरिएंट में भी है दोनों चीज। हाँ, ये बेस वेरिएंट में भी है लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है बेस से ही स्टार्ट हो जाता है इसमें। हाँ, इसमें बेस से ना काफी चीजें हैं, काफी आर्मरेस्ट देख लो आप। हाँ। पीछे का आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस में, तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी हैं। बस उसमें लेदराइट शीट नहीं मिलता है। हाँ, वेंटिलेटेड नहीं मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास ये पैनल मिल रहे हैं, पैनल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ काफी चीजें उसमें क्रेटा ने दे रखी है। अगर आप बेस मॉडल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो भी उसमें मिल जाते हैं आपको फीचर्स। अच्छा एक चीज और भी है कि जैसे भाई बता रहे ना वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो यहाँ पे देख लो ये पैसेंजर साइड की है, मतलब को ड्राइवर साइड की है, ड्राइवर साइड की है, और नीचे आपको ये पी जो बना हुआ ये 360 डिग्री व्यू, जरा एक बार प्लस ओके करो तो ये देख लो भाई। तो यहाँ पे एक क्रेटा आके खड़ी हो जाती है जिसके चारों तरफ आप सारी चीजें देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं, क्वालिटी बहुत बेहतर है, कैमरे की क्वालिटी जबरदस्त एक नंबर है, जो हमें फील होना चाहिए बिल्कुल उसमें फील होता है। मतलब कहीं से भी छोटा भी चीज अगर आपके सामने आ रहा है और बीप की आवाज, आप उसको क्लियरिटी यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है ना इसमें? हाँ, अगर ईट भी देख रहे हैं तो सारी चीज आपको दिख सकती है। पार्किंग सेंसर है दोनों साइड से आपका, मतलब आगे से भी है पीछे से भी है, तो आप कम्फर्ट इसको चला सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रेच आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस केस में। बिल्कुल। जैसे कोई भी बाइक हो गया या कोई भी व्हीकल वाला निकल रहे हैं तो आपको पहले ही सेंस हो जाए, तो आप गाड़ी या तो स्लो कर लो उसके हिसाब से, उसके स्पीड के हिसाब से, या तो फिर उसको रोक लो। बिल्कुल। तो स्क्रैचेस से भी आप बच जाते हैं। चलो, और देखो टॉप एंड वेरिएंट है तो फीचर मैंने बोला ना कितने मिल जाएंगे, जरा एक बार पैनोरमिक सनरूफ खोलते हैं इसका तो मजा ले लेते हैं। बिल्कुल। ये देखो भाई, पहले इसकी ये शील्ड खुलेगी और उसके बाद अपनी सनरूफ ओपन होनी स्टार्ट हो गई है, तो क्या फील होता है भाई?
जबरदस्त देख रहे हो कितना उजाला आ गया, मतलब क्या एरी एरी सा फील हो रहा होगा ना। पैरानोमिक का एक फीलिंग अलग ही है इसका कम्प्लीटली, मतलब ओपन करने के बाद ये नहीं लगता कि आप बिल्कुल भरी भरी सी गाड़ी में बैठे हो, ओपन करने में लगता नहीं है, बिल्कुल स्पेशियस गाड़ी है, आराम से ड्राइव करो, इंजॉय करो सनरूफ का। अगर आप बाहर जा रहे हो लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो अभी आप इसको ओपन करके म्यूजिक बजाते हुए बॉस का आराम से जा सकते हो। मुझे लगता है वो जो छोटी सनरूफ होती है उसका तो क्या ही फायदा होता होगा। नहीं कोई फायदा नहीं सनरूफ का, है ना, मजा तो इसी का है। एक्चुअली मैं पहले से भी यही सोचता हूँ, अगर सनरूफ लेना है तो पैनारोमिक, नहीं तो नहीं लेना है। बिल्कुल सही बात, मेरा सजेशन भी है लोगों के लिए कि अगर लेना है तो पैनारोमिक ही लो, छोटी सनरूफ में कोई भी वरना सनरूफ वाली गाड़ी मतलब। मैंने एक्चुअली नेक्सॉन भी एक बार ट्राई किया लेकिन नेक्सॉन में बिल्कुल कंफर्ट नहीं फील हुआ। मेरे पास छोटी गाड़ी दो तीन है घर पे लेकिन मैं उसको ड्राइव करना पसंद नहीं किया। ओके नेक्सॉन से बेटर मुझे लगा, देखा नेक्सॉन मतलब कंफर्ट गाड़ी है, मतलब मिनी एक्सयूवी बोले तो वो भी कंफर्ट गाड़ी है नेक्सॉन, बहुत अच्छी गाड़ी है, ले सकते हैं लोग बहुत ही। मतलब अगर क्रेटा और नेक्सॉन में कंपेयर करें, मुझे तो सेल्टोस आज तक समझ में नहीं आया है लेकिन क्रेटा और नेक्सॉन की मैं बात करूं दोनों बिल्कुल। नेक्सॉन ने कितनी बढ़िया कर दी है ना, मेन बात है आज के डेट में काफी कंफर्ट कर दिया, डिजाइन के मामले में टाटा का कोई तोड़ नहीं हो पा रहा। डिजाइन तो अभी एक ब्लैक बर्ड आने वाली है शायद उसकी, हाँ आ जाए तो फिर तो क्रेटा भी उसके सामने कुछ नहीं है। चलो मैं बोल सकता हूँ क्रेटा भी कुछ नहीं है क्योंकि ब्लैक बर्ड इस रेंज में आ सकती है आई थिंक 12 से 18 20 के रेंज में अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आ जाओ भैया फिर बाहर ही चल के बात करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पर लंबी भी इसलिए होती है भाई कि ताकि कोई क्वेश्चन ना रह जाए, कुछ रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बीके जी अब मुझे ये बताओ कि जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं, मैं मानता हूँ अभी आपको कोई नेगेटिव समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ भी आपको इसका एक नेगेटिव चीज लगी हो या कुछ भी लगा हो वो बता। मुझे ग्रिल बिल्कुल नेगेटिव लगता है इसका। अच्छा ग्रिल अच्छी नहीं लगी। ग्रिल अच्छा है, मतलब पियानो कलर अच्छा लगा मुझे इसका, लेकिन थोड़ा सा और पास पास में अगर होता, इसमें तीन रो होते हैं ना, हाँ तो काफी अच्छा लगता, और जो यहाँ पे स्पेस दे दिया तो बारिश वगैरह में काफी दिक्कत आ, जो खाली खाली हो रहा है यहाँ पे कैमरे में, कैमरा तो चलो चलो ठीक है लेकिन इसमें देना चाहिए था उनको कुछ। बिल्कुल सही, ये बाकी और कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं, अभी तक कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा मुझे। चलो रेटिंग की बात करते हैं, जरा इसके डिजाइन को रेट करो आउट ऑफ 10। 9 आप ले सकते हो। हाँ ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि अगर कोई भी व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं या कोई भी बंदा अगर प्लान कर रहा है गाड़ी लेने के लिए, क्रेटा उसके दिमाग में चल रही है, तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? क्रेटा लेना चाहिए, और अगर इस रेंज में देख रहे हैं जैसे सेल्टोस देख रहे हो, नेक्सॉन देख रहे हो या क्रेटा देख रहे हो या और गाड़ियाँ देख रहे हो उस रेंज में, जैसे कि आपका मारुति का ग्रैंड विटारा हो गया या फिर आपका हाई राइडर हो गया, तो मुझे लगता है कि ये बेटर है, ये बेटर है। अगर इसको नहीं ले रहे हो तो आप नेक्सॉन लो, बस दो ही सजेशन है मेरा। ठीक है, चलो थैंक यू बीके जी अपना टाइम देने के लिए, और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने में। और ये थे भाई अपने साथ बीके भाई, और जिन्होंने अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए इस गाड़ी को लिए हुए, SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट भाई ने उठाया है, मैनुअल में है, पेट्रोल में, तो उसी की थोड़ी सी हमने बातें की, एक रिव्यू शेयर किया आपके साथ कि अगर कोई बंदा मान लो प्लान कर रहा हो ना तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद। जब एक ओनर एक एक्सपीरियंस शेयर करता है या कोई रिव्यू शेयर करता है ना, तो उसमें पता लगता है कि उस ओनर ने क्या फील किया या कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका हिंडे के साथ या फिर कैसे वो इस गाड़ी तक पहुंचा है, मतलब तमाम चीज़ें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और किसी भी भाई को अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या मुझे मेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल ID मिल जाएगी, जल्दी से करो, DM करो या मेल करो, जो भी करना है करो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे, आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।